एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिलिप्स का वैक्यूम क्लीनर, जिसे मैंने परचेज किया है अमेजोन से, और ये बहुत ही बजट में अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप बजट में कुछ वैक्यूम क्लीनर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए जरूर यूजफुल होंगी। आपको ये 9000 के अंदर ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। कि ये इसका रिव्यूज जितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और यूज करने में बहुत इजी है। इस वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको दो बड़े अटैचमेंट और दो छोटे अटैचमेंट मिलेंगे, और साथ में एक छोटा अटैचमेंट भी मिलेगा जिससे आप जाली वगैरह क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ जो कैटलॉग आता है, इसमें आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी कि कैसे इसे यूज करना है। कुछ इस तरीके की पैकिंग में ही ये आपको घर पे रिसीव हो जाएगा। बात करें इस वैक्यूम क्लीनर की, तो ये बिल्कुल लाइट भी नहीं है और हैवी भी नहीं है। आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। 1900 वॉट की पावर के साथ ये आपको मिलता है। ये आसानी से इधर उधर मूव हो जाता है। मोस्ट फेवरेट फीचर इसमें ये है कि इसमें डस्ट बैग अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, और ये जो कंटेनर दिया गया है ये डस्ट बैग का ही काम करेगा। इस कंटेनर को फिक्स करना आसान है और क्लीन करना भी बहुत आसान है। इसे आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का बटन दिया है, बस इसे प्रेस करना है और आसानी से ये कंटेनर बाहर निकल जाता है और आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं। इस मेटल पाइप की आप हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे आप घर के जाले भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके पार्ट के बारे में वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस ब्रश के बारे में। ये मोटराइज ब्रश है जिसे आप निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। जो बड़ा वाला ब्रश है वो हार्ड सरफेस के लिए है, आप फ्लोर को क्लीन करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसमें दो अटैचमेंट दिए गए हैं, एक फ्लोर के लिए और एक कारपेट क्लीन करने के लिए और सोफा क्लीन करने के लिए। इस अटैचमेंट को यूज करके आप सोफे के किनारों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ अच्छी खासी लंबी वायर दी गई है, 6 मीटर की लेंथ है इस वायर की, और आप बड़ी जगह पे भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये पावर ऑन और ऑफ होता है, और राइट साइड के बटन से आप इस वायर को अंदर डाल सकते हैं इजिली प्रेस करके। इस वैक्यूम क्लीनर की मोटर की आवाज भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम आवाज करता है ये। वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से आप कारपेट और सोफे को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और कुशन कवर को भी जहाँ पे हम डस्टिंग नहीं कर सकते या बार बार वॉश नहीं कर सकते, तो कुशन कवर भी आपके बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और सोफे पे कुछ गिरा देते हैं, तो सोफा क्लीन करने के लिए ये वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छा है। सोफे के किनारे या बेड के नीचे की सफाई है जो हम डेली नहीं कर सकते, तो इस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से आप वो सारी सफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो ये पतला वाला अटैचमेंट दिया है, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। इस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से आप घर के जाले भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसका जो मेटल का पाइप आता है वो लेंथ में बहुत बड़ा है, और इस पाइप को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर की एक खास बात है कि ये बजट में भी है, और एक ही वैक्यूम क्लीनर से सारी सफाई हो जाती है। इस पे जो आगे ब्रश दिया गया है, उससे क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है और विंडो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। घर के जाले साफ करना हो या कोई भी धूल साफ करना हो, इस ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से कर सकते हैं। लैपटॉप की या कोई भी नाजुक चीज़ों की भी ये सफाई बहुत अच्छे से कर देता है। इस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से आप फ्लोर को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बस गीली जगह पे इसे यूज़ ना करें, ये गीली सरफेस पे आपको यूज़ नहीं करना है, इस पर लिखा हुआ है। ये वैक्यूम क्लीनर इतना स्मूथ है कि आप आसानी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से चलता है ज़मीन पे भी और कारपेट पे भी। प्राइस के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। जो अटैचमेंट दी है वो सारे पर्पस सॉल्व कर देती है, और ये बहुत अच्छा है। कंपैरिजन तो एक्सपेंसिव वैक्यूम क्लीनर के, ये वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छा लगा मुझे। कंटेनर में जमा हुआ कचरा आप सीधे डस्टबिन में खाली कर सकते हैं। कंटेनर भी बहुत आसानी से इसमें से निकल सकता है, और आप देख सकते हैं कि कितना सारा कचरा इसमें निकल गया है। बहुत अच्छे से सारा घर इसने साफ कर दिया है। आपको ये 9000 के अंदर ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।